मुझे लग रहा है इसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, क्योंकि मुझे चेक कर ये मुझे भी बार बार ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब भी मतलब मैं छत पर आती हूँ ना, मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शांत और सुस्त बैठा हुआ है। अभी देख लेते हैं चल के क्या हो रखा है इसे, अभी सब समझ में आ जाएगा। आज पासी पता चलेगा। गेट ऑफ कर लो गाइज। ये आप हमारी ब्लैक वाली फीमेल देख रहे हैं, उधर घूम रही है। दरअसल इसका जो पेयर है इस वाले मेल के साथ, इसका नाम हमने टोनी रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी बात है ना। हाँ बिल्कुल यही बात है गाइज, इसका जो मेल है वो टोनी है। इसका भी वैसे कुछ नाम रखा था या नहीं अभी तक? अभी वो नहीं रखा, इसका नाम रख देंगे बाद में, ठीक है, सब्सक्राइबर्स फैमिली बताएगी। हाँ तो गाइज हम देख रहे हैं कुछ दिन से इसकी तबीयत जो है बड़ी नासाज चल रही है, मतलब ख़राब सी चल रही है, और टोनी से भी बिल्कुल अलग ही रह रही है। आज कुछ ये काफ़ी सुस्त बैठ रही है, आप देखिए आपको दिखाता हूँ। और इसकी हड्डी थोड़ी बाहर निकल आई है, मैंने दोपहर चेक किया था, मगर मैं इसे कंटिन्यू मल्टी विटामिन दे रहा हूँ, और मल्टी विटामिन के साथ साथ मैं इसके लिए जितनी केयर मुझसे हो रही है प्रॉपर मैं वो कर रहा हूँ, मगर फिर भी इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ हद तक मुझे ढीली ढीली लग रही है कबूतरी, है ना, क्योंकि ऐसी बात है। हाँ अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पहले ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और बिल्कुल ठीक ठाक दोनों, मतलब ये पेयर अच्छे से रह रहा होता था, लेकिन अभी एक दो दिन से मैं भी यही देख रही हूँ। बहुत बार तो मैंने इसको यहाँ गेट के पास देखा है बैठे हुए। हाँ यहाँ भी आकर बैठ जाती है अक्सर, चुपचाप बैठ जाती है। अच्छा बाकी इसने वहाँ का भी कोना पकड़ा हुआ है, वहाँ भी बैठी रहती है, और अभी एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि ये इस साइड में जाकर बैठ जाती है नीचे की तरफ, इस गमले की तरफ, है ना। वो तभी तो ऐसा होता है जब किसी का मन ठीक नहीं होता ना, फिर वैसा ही होता है। वही सेम, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। तो फिर देखते हैं इसको ट्रीटमेंट वगैरह देंगे, और मैं आज जाता हूँ शाम को उसके लिए केमिस्ट से जाके दवाई लेकर आता हूँ, है ना, ठीक है, इसकी कंडीशन बता के, तो वो बेहतर दवाई ले ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही प्यारी फीमेल है और अभी तो इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारे सेटअप नहीं हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस आप लोग कुछ बता सकते हैं कि क्या परेशानी है इसको, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसकी हल्की सी हड्डी जो है ना, पेट वाली जो हड्डी होती है मेरे नीचे की, वो बाहर निकल रही है हल्की सी, पैसे पंख से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, ओके है। बाकी इसको वीकनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील कर देख रहा हूँ मैं इसे। अच्छा दूसरी बात क्या है, मैंने चेक किया था ना, तो उससे पता लग रहा है कि इसे वीकनेस है, तो जिसकी वजह से हम इसे मल्टी विटामिन दे रहे हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाए। बाकी आप बताइएगा, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली और आप लोगों के परिंदे भी सब अच्छे होंगे। तो गाइस जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी और साथ में शेयर भी। फैमिली कल का जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे वैसे ऐसी ही उम्मीद थी आप लोगों से, बाकी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स की और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया, कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने जो सिंपैथी दिखाई वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों की बस यही बातें होती हैं जो दिल जीत लेती हैं, क्योंकि मन कितना भी निराश हो किसी भी बात को लेकर, यही बात नहीं है बाकी भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, और आप लोगों के साथ जब हम लोग शेयर करते हैं तो आप लोग इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, इतनी दूर से ही आप लोग इतनी ज़्यादा मदद कर देते हैं कि बस उसके बाद फिर नहीं लगता है कि जैसे कि अब कुछ पॉसिबल होगा ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ पॉसिबल है और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो गाइज जितने भी कबूतर हमारे पिजन हाउस से चोरी हुए उस रात, उसकी सभी की वीडियो लगभग हमने शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, आप लोगों ने काफ़ी नज़दीक से भी देखी होंगी। कुछ कबूतर अगर उनमें से रह गए हैं तो वो भी हम लोग आगे वीडियो में डाल देंगे आप लोगों के साथ, उनको भी शो करेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो कबूतर आप लोगों को कहीं भी दिखते हैं और कहीं भी नज़र आए, किसी भी जगह, कहीं इलाके में, किसी क्षेत्र में, गांव में, शहर में, कहीं भी नज़र आए, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझ तक ये जहाँ भी आप लोगों को ये मेरे कबूतरों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो ज़रूर बताना, वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उनको लेने के लिए ज़रूर पहुँचूँगी। ओके यार इनकी फीट खत्म हो गई क्या? हाँ यार फीट खत्म ही लग रही है, मतलब ये देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ भी खत्म हो गई क्या, बॉक्स में भी? हाँ बॉक्स में खत्म हो गई है, बस तो थोड़ी सी बची हुई थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार, मैं लेकर आया। अरे इतनी भी मतलब उस टाइम के लिए थी, दो टाइम वो चल सकती थी, वैसे मैंने आपसे एक दो दिन पहले भी बोला था, तब मुझे लग रहा था कि तब तक आप लाई देंगे। तुम एक काम करो फिलहाल के लिए इस वाली फीट को निकाल के दो मुझे, सारी बर्ड्स जो ना भूखी है, कम से कम मैं कुछ ये तो डाल दूँ,
फिर मैं जाऊंगा अभी शाम में। हाँ, जल्दी से लेकर आ जाना, क्योंकि इससे पहले रख दी थी ना मैंने, जो बाकी की बच रही थी वो रख दी थी। तो गाइस अभी के लिए जो फीड है इसे डाल देते हैं, ये खाने की चिड़िया हमारी। फीड तो इसमें भी नहीं है यार, इसमें भी केवल लगता है भाई यार बर्ड्स की फीड खत्म हो रखी है, क्योंकि यार ये क्या हो रखा है। खैर गाइस अभी हमने इस को बॉक्स को खाली कर दिया, इसको बाहर रखना अभी तुम, ठीक है? और फीड लाऊंगा तब देखेंगे। ये सारी बर्ड हमारी भूखे हैं, पास में तो स्टोर आ रहे हैं ना, आप ला सकते हो। आज ही मैं ला दूंगा इनके लिए फीड, ताकि ये लोग अपना पेट भर सके आराम से ना। हमने इनको ये वाली फीड रख दी है, अब जैसी नई फीड आएगी इनको वो भी दे देंगे। इसका तो बिल्कुल बॉक्स ही खाली हो गया यार हमारे बजीज पैरेट का, तो इनके लिए भी जल्दी फीड ला देंगे। वजी यार तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए नई फीड आएगी बढ़िया वाली, और ठीक है अभी तुम थोड़ा शेयर कर लो, छोटी बर्ड है यार तुम्हारी दोस्त है यार, नाराज़ मत हो, ठीक है? क्योंकि देखो ये तो नाराज़ हो रहे हैं यार, देखो इधर से भागने की गायब कर है ना, भागने की तैयारी में लगे हुए हैं ये तो। अरे नीचे खिलाया आपने इनको आम का चार, ये मैंने आम अच्छा नहीं है आम है, ये सूख कर ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, इसको फेंक देंगे बाद में, है ना? इसको बाद में फेंक देंगे, ऐसा कर लेंगे। खा तो लिया है पर। हाँ खा लिया है। तो गाइस हमारे बजी देखिए आज के मौसम के हिसाब से कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सभी के सभी। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी थोड़ी कम है और बाकी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो मौसम काफ़ी बेहतर है और हमारे बजी इस वाले मौसम को खूब ज़्यादा इन्जॉय करते हैं दोस्तों, और इस मौसम में ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और कुछ टाइम बाद की बात है फिर तो सर्दियाँ आ जाएंगी, दो महीने और रही गर्मी, अब अगस्त चल रहा है ना होगी। हाँ पूरा का पूरा सेटअप कवर हो जाएगा, फिर से तुम सब अंदर बंद हो जाओगे। हाँ अगस्त चल रहा है, अगस्त का सितंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर में हल्की ठंड आ जाएगी, नवंबर में फुल ठंड हो जाएगी। हाँ है ना, नवंबर के बाद से तो बिल्कुल ही लगा लो, दिसंबर जनवरी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक बोल रही हो तुम, देखो भाई चलो तुम कुछ दिन की बात हो रहा है आराम से रहो, उसके बाद फिर बारिश वारिश बंद हो जाएगी तो तुम्हें बड़ी ही जो है। अरे बारिश उतनी भी नहीं पड़ी जितनी की पड़नी चाहिए थी, पड़ी है ना? बारिश पड़ी नहीं है, पड़ी नहीं बस थोड़ी आती है, बादल आते हैं बादल आकर चले जाते हैं, इधर भी आते हैं इधर से आकर चले जाते हैं, बाकी ये है धूप तो रहती है कंटिन्यू। और बंगाली फिंजिस को भी आज एडिट करा देते हैं, एक भाई बोल रहे थे कि भाई आपके यहाँ पर जो बंगाली सॉरी गोल्डन फिंजिस है ना, गोल्डन फिंजिस के एग्स को फॉस्टर कराने के लिए आप बंगाली फिंजिस ले लें। भाई हमारे पास बंगाली फिंजिस ऑलरेडी है, चलिए आज आपको हम दिखा देते हैं। हमने एक कमेंट पढ़ा था, उस कमेंट में भाई किसी भाई का आया था, अगर वो कमेंट मुझे मिल गया तो मैं शो भी कर दूंगा आपको। सलाह तो काफी अच्छी दी है, बिल्कुल वैसे ही सही बात है। बंगाली फिंजिस ये रही हमारी सारी, काफी सारी बंगाली फिंजिस है हमारे पास, बट वो बात लगे कि हमारे यहाँ ब्रीड नहीं किया आज तक, इन्होंने तकरीबन एक साल हो गया गाइस, एक साल में हमारे इन्होंने एक भी ना अंडा दिया है ना बच्चा, और उसकी वजह क्या है क्या नहीं हमें तो पता नहीं चल पाता गाइस, क्यों नहीं है, क्यों ऐसा कर दिए हैं, क्यों अंडे बच्चे नहीं देती हैं आप, वो पता नहीं क्या सीन है इनका। तो बस हम तो यही कहेंगे कि जल्दी कि से सभी मेल है या सभी फीमेल है, यहाँ तक कि सभी को अलग अलग घोंसले बना कर देती है गाइस, जब घोंसले बना भी लेती हैं आराम से, उसके बाद अंडे नहीं रखती। नहीं ऐसी बात नहीं, पेयर तो कोकी होगा यार, अगर पेयर है तो घोंसला तो जभी तो घोंसला बना रही है, अगर पेयर ना हो तो फिर घोंसला क्यों बनाएंगी। तो गाइस ये रही हमारी बंगाली फिंजिस, चलिए इनको लॉक कर देते हैं आराम से, बंद हो जाए आराम से रहे। अच्छा इनको एक काम बड़ा अच्छा आता है पता है क्या? हाँ। बाकी का तो नहीं कहती, इनका कहूंगी। बताओ। जहाँ बिल्कुल शाम हुई सूरज ढला, सभी नेस्ट के अंदर ऐसे जाके सो जाती है कि सुबह से पहले फिर निकलती नहीं है। ये बात बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, चिपक जाती है। चाहे तुम आधी रात को भी सबको फीड दे देना लाइट ऑन करके, पर ये बाहर नहीं आएंगे। मैंने देखा था कि 7 बजे मैंने देखा कि शाम को 7 बजे सारी की सारी इस वाले घोंसले के अंदर 100 सारी बैठ गई। हाँ। अक्सर जैसे बैठ जाती है, सो जाना है। उसके बाद मैं आया था शाम रात को 10 बजे करीब में मैंने आकर खोला जैसे बंगाली फिंजिस को, तो ये बाहर ही नहीं निकल कर आई, अंदर ही बैठी रही आराम से अंदर। तुम्हें तब तक ही दिखाई देंगी जब तक की दिन है, उसके बाद नहीं दिखाई देंगी। हाँ ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही कुछ है। तो फिर ठीक है दोस्तों, इनको ऐसे अंडे दीजिए, छेड़ते नहीं है, बाकी आप लोग इनके लिए कुछ ब्रीडिंग टिप्स दीजिए यार, ताकि हमारी बंगाली फिंजिस ब्रीडिंग करे और हम लोग अपनी गोल्डन फिंच के लॉन्ग टेल फिंचिस के और बाकी फिंचिस के अंडे एग इनके अंदर रख सकें, यानी कि फॉस्टर करा सकें जो भी। तो प्लीज़ बड़े बड़े टिप्स दे दीजिए यार, आप लोगों से इतनी दुआएं इतनी इल्तजा है हमारी, ठीक है? क्योंकि लवबर्ड का क्या सीन चल रहा है आजकल, अंडे वंडे आए इनके नहीं आए अभी तक, कोई अंडे नहीं आए, देख लेते हैं क्या सीन है यार इनका। अरे नहीं हमारे पास 3 है, क्यों ना एक और ला कर ये पूरा पेयर ना बना दे दो। क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें, तुम कहोगे यार मेरे परिंदों को तुम ऐसा बोलते हो, दरअसल बात है नालायक है क्या मेरे परिंदे? क्या यार बात ये है क्योंकि कि मैं चाहता नहीं यार, जब इनसे 3 घंटे अच्छी रख जा रहे तो ये और कहाँ से रखेंगे यार, और भी आ जाएंगे, इससे बड़े 3 ही रहने दो। हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे, कब दिन तुम्हारा, कब की अपडेट है यार, अंडे वो कुछ अपडेट हो, चलो बच्चे मतलब अंडे तो रखी दो कम से कम, अंडे आएंगे तो बच्चे तो अपने आप आ जाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं भाई मत रखो, जब रखना रख देना आराम से प्लीज़ गाइस। इनके लिए भी कुछ टिप्स दीजिए यार हमारे लवबर्ड्स के लिए, ताकि अच्छे से ब्रीड वगैरह कर सके और हमारे इनके अंडे बच्चे देखने के लिए मिले, है ना? अच्छा सेपरेट इनको हमने घोंसला दे दिया, ये देखिए इनको सेपरेट दे दिया, ये रखा इधर। तो गाइस वैसे ना मुझ पर तो कोई खास फर्क ऐसा पड़ता नहीं है कि बंगाली फिंचेस क्यों अंडे नहीं रखती हैं, लवबर्ड्स क्यों अंडे नहीं रख रहे हैं, और अभी बजीज का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, इनका भी पता नहीं अभी तक कोई मुझे ऐसा अंडे बच्चे कोई देखने के लिए नहीं मिले हैं काफ़ी टाइम से। बात इन्हीं की नहीं है, सभी की बात मैं कर रही हूँ, जो भी बर्ड्स मेरे अंडे बच्चे वगैरह नहीं रख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है,
और इनको वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब में कि कौन सी बर्ड्स कब अंडे देगी, उसके बच्चे कब देखने को मिलेंगे। मुझे भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसा इंटरेस्ट है, रखती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इतनी ज़्यादा बेचैन हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं रख रहे हैं। बस ये अंडे रखें ना रखें कोई बात नहीं है, बच्चे देखने को मिले मुझे ना मिले, बस ये खुश रहने चाहिए, क्योंकि इनको खुश देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इनकी खुशी के लिए मैंने इन सबको अच्छे से रखा हुआ है, इनको इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। जो भी मुझे कमी लगती है मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको कोई कमी ना ही हो, बाकी लगती भी है तो आप लोग भी मुझे सलाह दे ही देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनका ख्याल ही रखती हूँ, बस ऐसे ही ये हैप्पी रहते रहे और बस मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।